भागीरथी गंगा। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। ये पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भागीरथ लेकर आए, इसलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,000 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि, मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ये तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। इसको पकड़ लो और मार डालो। इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली जिससे सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को ये खबर मिली, तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगीरथ पुत्र सलिला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया, तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पाप को नष्ट कर रही हैं।